मम्मी स्वर्गत बचाओ मम्मी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। यदि आपके मन में फोन को रूट करने की इच्छा जागृत हुई है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार देख लो पूरी, तब डिसाइड करना कि आपको अपना फोन रूट करना है कि नहीं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोन को रूट करने से क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं और क्यों अपने फोन को रूट नहीं करना चाहिए या रूट करने से बचना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान, आपके फोन की वारंटी खत्म हो जाती है। यदि आप अपने फोन को रूट कर लेते हैं तो आपके फोन की वारंटी वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। यदि आपने अपनी बूट लोडर को एक बार अनलॉक कर दिया, बूट लोडर क्या होता है, जब फोन शुरू में ऑन होता है यानी स्टार्टिंग में जब आप उसको ऑन करते हो तो बूट लोडर फोन की फाइल को रीड करता है, देखता है कोई फाइल मिसिंग तो नहीं है, और अगर कोई फाइल मिसिंग होती है या जो भी चेकिंग होती है तब वो फोन को ऑन करता है। ऐसी स्थिति में अगर बूट लोडर अनलॉक हो गया है या आपने अपने फोन को फ्लैश कर लिया है तो आपके फोन की वारंटी वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, परंतु वन क्लिक वाले जो मेथड है, किंग रूट है, किंगो ऐप है या आई रूट है, इनसे यदि आप अपने फोन को रूट करते हो और बाद में अनरूट कर लेते हो तो पॉसिबल है आपकी वारंटी नहीं जाए। इसके अलावा कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, बड़ी कंपनी तो बिल्कुल वारंटी को खत्म कर देती है, लेकिन कुछ कंपनियां Xiaomi है, OnePlus है, Google Nexus है, ये अलाउ करती हैं रूट भी कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी बड़ी कंपनियां बाकी आपके फोन की वारंटी को वहीं खत्म कर देती हैं यदि आपने फोन को रूट कर लिया है तो। दूसरा कारण दोस्तों, यदि आप अपने फोन को रूट करते हो तो 20-30% चांसेस ये भी है कि आपका फोन डेड हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रूट करते समय ये समस्या भी आ जाती है। आप अपने फोन को रूट कर रहे हैं और रूट करते करते वो कभी भी ब्रिक भी हो सकता है यानी डेड भी हो सकता है। हालांकि बहुत सारे सेफ मेथड आजकल आ चुके हैं, वन क्लिक मेथड जो आपके फोन को सेफली रूट कर देते हैं, परंतु वो यूनिवर्सल मेथड नहीं है, वो सभी फोन को रूट नहीं कर पाते। किंग रूट की बात करो, आई रूट की बात करो, सभी फोन को वो रूट नहीं कर पाते। आपको ही पता होगा कि किंग रूट बहुत सारे फोन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कोई दूसरा रास्ता चुनते हो जो कि बहुत आसान नहीं है। हमें कमांड डालनी पड़ती है, फ्लैश इंस्टॉल करनी पड़ती है, टर्मिनल में अलग अलग तरह की स्टेप बाय कमांड डालनी पड़ती है, ऐसे में एक भी मिस्टेक आपसे हुई तो आपका फोन वहीं के वहीं ब्रिक हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस कारण को भी आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि खामखा इतना महंगा हम फोन लेते हैं, बड़े मन से फोन लेते हैं, और हमारी छोटी सी गलती के कारण ऐसा कोई नुकसान हो जाए तो ये बहुत बुरी बात होगी। तो ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें कारण कि फोन को अगर रूट करना चाहते हो तो कहीं ब्रिक ना हो जाए, तो ये भी एक चांसेस है। अपडेट इश्यूज, जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने फोन को रूट कर लेते हो तो कंपनी द्वारा कोई भी अपडेट आपको नहीं दिए जाएंगे, और अपडेट करना जरूरी है आपके फोन की सिक्योरिटी के लिए, फोन की परफॉर्मेंस के लिए आपको अपने फोन को अपडेट करना जरूरी है, परंतु क्योंकि आपने अपना फोन रूट कर लिया है तो ऐसे में आपको कोई भी कंपनी द्वारा अपडेट नहीं मिलेंगे। हालांकि कुछ कस्टम रोम्स हैं जैसे साइनोजेन मोड या बहुत सारे कस्टम रोम्स हैं जो आपको अपडेट देती हैं, लेकिन यदि आप कस्टम रोम नहीं इंस्टॉल करते हो तो आपके फोन को कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, और बहुत जरूरी है आपके फोन की परफॉर्मेंस के लिए फोन को अपडेट करना। परफॉर्मेंस इशू एंड बग्स, जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने फोन को रूट कर लेते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस भी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। कई ऐप्स में बहुत स्लो काम करता है, हालांकि कई काम ये अच्छे भी करता है, लेकिन आपके फोन की परफॉर्मेंस पूरी तरह चेंज हो जाएगी। कई जगहों पे अच्छा काम करेगा, कई जगहों पे बेकार काम करेगा, यानी डेली कुछ ना कुछ अजीब प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आ सकती हैं यदि आप अपने फोन को रूट कर लेते हैं। अंतिम शेष और बहुत विशेष, दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण मैं आपको मना करूंगा आप अपने फोन को रूट ना करें, सिक्योरिटी रिस्क। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने फोन को रूट कर लेते हैं तो आपका फोन पूरी तरह इनसिक्योर हो जाता है और हैकर्स के निशाने पर आसानी से आ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो हार्मफुल है, मेलिशियस है, जिन्हें अगर आप अपने फोन में एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, यानी गलती से अगर भी इंस्टॉल कर लिया आपने, तो आपके फोन का सारा डाटा चुराया जा सकता है। दोस्तों ये कारण बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा कारण है, प्लीज इसे बहुत ज्यादा कंसीडर करें, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। यदि आप अपने फोन को रूट करना चाहते हैं तो आपका डाटा पूरी तरह इनसिक्योर हो जाता है, तो प्लीज ध्यान रखें फोन को रूट करते समय, विशेषकर इस वाले रीजन को तो आप ध्यान ही रखें।
दोस्तों मैं आपको इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर रहा है कि आप फोन को रूट ना करें, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए कि फोन को रूट करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिससे फोन को रूट करने से बचना चाहिए। आपको ये जान लेना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। यदि आपको फोन को रूट करने की जानकारी है, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप तैयार हैं इन सब रिस्क के लिए, तो आप अपने फोन को रूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, नॉर्मली मैक्सिमम लोग फोन को इसलिए रूट करते हैं ताकि फोन में कस्टम रोम्स इंस्टॉल करके फोन के लुक को चेंज कर सके। दोस्तों मुझे तो लगता है कि ये कोई इतना बड़ा कारण नहीं है जिसके लिए फोन रूट किया जाना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी शौक तो शौक ही है। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सांप को गले में डाल के फोटो खिंचवा रहे। दोस्तों एक बात तो है, इस पैसे की हड़बड़ी में ना लोगों का चिकनगुनिया ठीक हो गया।